बस बैठना अब हो जाए तो थोड़ा दूर रख है ना, कि बैच एज के फोटो अच्छा नहीं आप प्लीज बैच वगैरह भैया मोबाइल लेके थोड़ा सा पीछे आ जाइए भैया, मोबाइल आ रही है आपकी। सीएम और मोदी जी को डायरेक्ट मेल करेंगे। अरे यार मुझे मना कर रहा है भैया, थोड़ा तो पीछे भैया इधर आ जाओ। और 16 तारीख को जो है लगना प्रस्तावित है, तो मुंबई से जो है प्लेन के द्वारा यहाँ बाबरपुर एयरपोर्ट पे आया है, और उसको जो है अभी जो प्रोटोकॉल के तहत जो है वहाँ से यहाँ पर जो हमारा स्टेट वेयर हाउस है पांडेपुर यहाँ वाराणसी में, यहाँ पे रखा जा रहा है, और यहाँ से फिर अन्य जनपद पे जो है उनके डिस्ट्रिक्ट वैक्सीन स्टोर को सप्लाई किया जाएगा, ताकि जो है और ठीक है। और यहाँ से जो जनपद आप बता रहे हैं कहाँ कहाँ जाना है, तो एक तो वाराणसी मंडल, दूसरा जो है प्रयागराज मंडल, तीसरा मिर्ज़ापुर मंडल, और चौथा आजमगढ़ मंडल। तो इन सब जगहों के इनके जितने भी ज़िले हैं उन सब जगहों को यहाँ से जाएगा। सर रखने की व्यवस्था क्या है यहाँ पर, और सिक्योरिटी किस तरह से यहाँ व्यवस्था की गई है? रखने की व्यवस्था यहाँ पर जो वॉक इन कूलर्स हैं, वॉक इन कूलर्स में जो है रखा गया है, और जहाँ तक सिक्योरिटी की बात कह रहे हैं तो 24/7 जो है यहाँ पे सिक्योरिटी की व्यवस्था है। सर बात की जाए अपनी तैयारी क्या है, जो स्वास्थ्य विभाग की जो तैयारी है वैक्सीन को लेकर 16 तारीख की, किस तरह की तैयारी है? जो तैयारी हमारे मंडल की है उसमें अभी जो 16 तारीख को फर्स्ट स्टेज में लगना है वो हेल्थ केयर वर्कर्स को लगना है। हेल्थ केयर वर्कर्स में चाहे वो प्राइवेट के हेल्थ केयर वर्कर हों, डॉक्टर फार्मासिस्ट से लेकर के सभी जो है पैरामेडिकल्स, नर्सेस स्टूडेंट, नर्सिंग स्टूडेंट, मेडिकल स्टूडेंट सभी लोगों को, और जितने भी गवर्नमेंट के जो भी माने हेल्थ केयर वर्कर हैं डॉक्टर से लेकर के अन्य कर्मचारी सबको लगेगा। ठीक सर।